दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस स्टॉक के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट की। मैं बात करता हूं, करीबन 1% की तेज़ी हमें देखने को मिली। 7100 रुपीज़ पर क्लोजिंग स्टॉक ने बनाकर दिखाई। वहीं वन डे चार्ट की मैं बात करता हूं, यहां पर अभी भी एक डाउनफॉल स्टॉक में जारी है। अगर यही गिरावट जारी रहती है, नीचे की तरफ 6700 रुपीज़ का एक सपोर्ट लगाकर चल सकते हैं। अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके स्टॉक नीचे जाता है और निचले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें टारगेट्स की, यहाँ से रिकवरी बनती है, एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में जो टारगेट स्टॉक अचीव करेगा वो है 7200, यहाँ तक कि 7500 तक के टारगेट भी बजाज फाइनेंस अचीव कर सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस शामिल है, कंटिन्यू होल्ड करें। यहाँ पर फ्रेश बाइंग को अभी अवॉइड करना है, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाकर चल सकते हैं। जैसे ही बाइंग का मौका बनेगा, हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है बजाज फाइनेंस में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।